राइट साइड पे कराची खुजदार इस तरफ जा रहा है और लेफ्ट साइड पे ये सखर और ये जो बुलान वाला जो रास्ता है वो वाला है। आसमान देखें क्या जबरदस्त बादल और ये आ रहा है। हम लोग हैं एक्जियो में, बशीर भाई लंट्रा में और सफर शुरू हो गया है हमारा कराची का। सामने भी जबरदस्त बादल और ऑलमोस्ट शाम के 6 बज रहे हैं। ये जो तीन पहाड़ आपको दिख रहे हैं ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो लोगो होता है जिसमें ये तीन पहाड़ दिख रहे होते हैं वो ये है। क्या खूबसूरत आसमान दिख रहा है, क्लाउडी, बिल्कुल जबरदस्त। और ये लकपास टोल प्लाजा आ गया। घूमने के लिए देखने के लिए पे बिजली भी ईरान से मिल रही है ना उनको। अच्छा, लोड शेडिंग नहीं है। वाह जबरदस्त। इधर ये पंप बने हुए हैं ईरानी पेट्रोल के, जगह जगह लगे हुए हैं। रात में तो हमने आपको दिखाया था तो वो तो सारा ऑब्वियसली अंधेरा ही अंधेरा था तो कुछ भी खुला हुआ नहीं था। यहाँ पे हम कोई 3-4 बजे के टाइम पे गुजर रहे थे। यही तो मेरे ख्याल में कुत्ता हिट हुआ था ना लांट्रा को। नहीं नहीं वो तो उधर हुआ था, वो जबले नूर के उधर। अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं। ये आप ये देखें रोड के किनारे जगह जगह ये स्टॉल लगे हुए हैं अंगूर के, और ये राइट साइड पर ये जो है ये अंगूर के बाग हैं। यहीं से ये फ्रेश अंगूर तोड़ते हैं और ये इन शॉप्स पे अंगूर बिक रहा है, यहीं का ताज़ा अंगूर। ये हम रुके हैं मस्तूम पे, मक्का होटल है ये मेन हाईवे पे। इसकी सुना है चाय अच्छी है। होटल की चाय है ये, इधर की मशहूर चाय मक्का होटल की, देखते हैं कैसी है। सही है। ये देखें किस कदर रेत का तूफान है इस साइड से ये आ रहा है। रेत है ना, जैसी हवा चलती है ना तो उड़ती है रेत। हाँ रेत और मिट्टी ये उड़ती है। अब आप देखें रोड के जो ये दरख्त दिख रहे हैं ये सेब के, और सेब लगा हुआ भी है इनमें, और आगे कलात आएगा। कलात का तो सेब वैसे ही मशहूर है, इधर सेब के लिए काफी मशहूर है कलात। तो ये हम लोग क्वेटा से कराची के लिए जा रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है, गपशप लगा रहे हैं भाई साहब, ड्राइव कर रहे हैं, साथ में हमें किस्से सुना रहे हैं मजे मजे के। बिल्कुल कोई गाने मानो की जरूरत ही नहीं है, टेप वेप सारा बंद है
और बस किस्से कहानियां हमारी चल रही हैं, गपशप लग रही है और बड़ा मजा आ रहा है सफर का। ये स्टार्ट हो गया है तहसील मंगोचर और खटकुचा, जगह खत्म हो गया खटकुचा। अच्छा, और हम लोग जा रहे हैं क्वेटा से कराची की तरफ। ये व्यू है, क्वेटा कराची रोड है सिंगल, और ये रोड डबल होनी चाहिए। डबल हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, टाइम और भी कम लगेगा, और सबसे बड़ी बात ये हादसात में कमी होगी बहुत, और ड्राइविंग करने वाले के लिए भी बड़ा वो रिलैक्स होके ड्राइव करेगा। अभी जैसे ये रोड है, इस पर आप गाड़ी क्रूज पर नहीं लगा सकते। जब डबल रोड हो जाएगा, आराम से एक स्पीड लिमिट सेट कर दें, क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया और बस मज़े से जा रही है, तो टेंशन फ्री सफ़र हो जाएगा, रिस्क फ्री, और ये बाइक वालों से भी ज़रा जान छूटेगी थोड़ी। ये देखें इस जगह फिर ये मट्टी का तूफान है। सही, ये मट्टी उड़ रही थी काफी, और आसमान बहुत खूबसूरत दिख रहा है, कलर आसमान के। ये देखें एरिया शुरू हो गया, तलात का एरिया शुरू हो गया है, और ये सेब का बाग। मैं खुद 20 रुपए के लिए अपने आप। हाँ नहीं नहीं सही कह रहा है साहब, बिल्कुल सही कह रहा है। ये आ गया जी खलात टोल प्लाजा। कोयटा से खलात का, खलात से गुजर रहा है। पूछो भाई, खलात के भी पकोड़े कौन से, ईरानी तो ईरानी है या चाइनीज? अच्छा, ये ईरानी पकोड़े ईरानी तो नहीं है। पक्की बात ना, खानों खलात हो गया, उत्तर बंगाल साहब हो गया, सारे इधर इसके बाल होते हैं। अच्छा, ये बड़े मशहूर पकोड़े, जोर से जरा बताना। 400-500 रुपए। अच्छा, ये भाई मुनीर ने पास कर दिए तो इसका मतलब है जबरदस्त है, ये मशहूर है भाई। मिर्ची वाले ये मिक्स नहीं करूँ, सिर्फ ये डाल एक दो मिर्ची भी डाल दो। पकौड़े खा के देखते हैं। ये कला, ये सामने पकौड़ों की दुकान है, और ये आप देखें आसमान का व्यू देखें, बादल और ये सब। ये वाली साइड जो है ये कराची की तरफ जा रही है, और ये गाड़ी क्या कराती है, जम्बाग। जम्बाग ये नहीं ना, ये जम्बाग, ये ईरानी गाड़ी है, ईरान से आई हुई है ना, कहते हैं जम्बाग गाड़ी, ये ईरान से आती है। ईरानी रोकता नहीं है कोई? अच्छा अच्छा, अच्छा ये है चाट, यहाँ पे स्पेशल खलात, खलात की चाट है, और ये मुनीर भाई की अप्रूव करता है, मुनीर भाई ने पास किया है इसको। नहीं आप इंशाल्लाह खुद मजा है, ईरान ईरान का तो आइटम नहीं है इसके अंदर, खलात का, क्योंकि मुनीर भाई की टोपी अभी ईरान वाली होती है, ईरानी चाट। कराची से जो भी आएंगे ना, सब ईरानी चावल ढूंढ रहे होंगे, सारे ढूंढते रहेंगे। सही बात है, सही बात है। कैसी है? अच्छी है।
बस जो नंबर मांगेंगे ना ईरानी चावल के लिए, मुनीर का नंबर दे देंगे, बोले भाई इनसे रब्ता करें, इनके पास ईरानी आइटम लो भाई। आप कितने रोटी है भाई? आपके बारह वाला बनाना चंगा वाला। और बोलो भाई, और कितनी कुर्बानी चाहिए? ये रोटी आई है भाई स्पेशल। सुबह नाश्ते में वो नान खाया था यार, वो तिल वाला जो था ना पराठा, वो बड़ा जबरदस्त था। मां मैं तिल वाला बड़ा पराठा उखड़ रहा नारा वाला ये भी बड़ा मजा है, पराठे और गरम रोटी ताजा ताजा ये भी बन बनाया, ये पकौड़ों के साथ खाते हैं। अच्छा गरम पकौड़े गरम रोटी, अगर इसको तो मैं चाय के साथ भी खा लूं आराम से, बेहतरीन बेहतरीन। गाड़ी में भिजवाया आपकी गाड़ी नहीं है, अकेले वो छोटा भी रुक गया, आप दो बंदे जा रहे हैं बस, दो बंदे फिर तो हम बशीर भाई के साथ बैठते हैं, वीडियो बनाते हैं।